झारखंड निर्वाचन को नहीं चर्चा करवा। झारखंड प्रथम पर्याय निर्वाचन पर प्रचार थमी जाए। आज संध्या पांचटा शेष निर्वाचन प्रचार। आज संध्यार नेता घर को घर बुली प्रचार करेंगे। निज सपक्ष में भोट देवाई भोटर को मनवा चेस्टा करेंगे। मतदान 48 घंटा पूर्व प्रचार बंद पर नियम को कड़ाकड़ी पालन कर। नवेम्बर 13 में राज्यर 43 आसन पर मतदान हो। सका 7 भोटिंग आरंभ हो। किसी अंचल में भोटिंग संध्या 5 पर्यंत भी चलो। प्रथम पर्यायर हाई प्रोफाइल सीट सडईकला रांची जमशेदपुर जगन्नाथपुर एवं जमशेदपुर पूर्व आसन सामिल रही बेले मैदान में मोट 683 प्रार्थी से भाग्य परीक्षा करने। प्रथम पर्यायर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास बहु पूर्वतन सीएम अर्जुन मुंडा पत्नी समेत बहु हेवीवेट नेता भाग्य परीक्षा हो। शेष दिन में प्रचार पर एनडीए एवं इंडिया मेंटर स्टार प्रचारक प्राणमूर्छा उद्यम करिसेंति। कारण प्रथम पर्याय निर्वाचन बा प्रथम पर्याय मतदान पर प्रचार गोटे प्रकार शेष होइछि। किंतु प्रचार शेष दिन में किभली भाव में प्रचार करा जी तार पूरा झलक आम आपण रखुलु। कारण अमित शाह आरंभ करी इंडी मेंटर तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आरंभ करी तमाम नेता प्रचार को बर्तमान समय जोरदार करते अर्थात कहीं कहारी को स्पेस दबा मुड रे ना। तेज झारखंड विधानसभा प्रथम पर्यायर क्योंटी कौन कौन सीट रही नहीं आम चर्चा करवा। हाजरी बाग में 3 सीट पर निर्वाचन हो। गढ़वारे 2 गुमलारे 2 कुंचे 2 सिंडेगारे 2 कोड्रमारे 1 रामगढ़ 1 पूर्व सिंहभूम 6 एमती तमाम स्थान में अर्थात 43 सीट पर पूरा निर्वाचन करे पूरा प्रस्तुति। सबुठ बड़ कथा हो झारखंड प्रथम पर्याय मतदान पर प्रचार शेष हो। शेष दिन में एनडीए और इंडिया मेंटर दिग्गज मैंने झाड़भुआ प्रचार करते। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 स्थान में जनसभा को संबोधन करता बेले सरेकलारे गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पलामू में जनसभा को संबोधन करमि राली देखते रिपोर्ट। झारखंड में प्रथम पर्याय भोट पाई प्रचार शेष। शेष दिन में एनडीए और इंडिया मेंटर दमदार प्रचार। अनुप्रवेश और दुर्नीति प्रसंग में हेमंत सोरेन को शाहों टार्गेट। खड़गे कहिले सुरक्षित देश पर कांग्रेस ही एकमात्र भरोसा। झारखंड प्रथम पर्याय मतदान पर प्रचार शेष हो। शेष दिन में एनडीए और इंडिया मेंटर दिग्गज मैंने झाड़बुहा प्रचार कर। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 स्थान में जनसभा को संबोधन करता बेले सरेकेला गृहमंत्री अमित शाह झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन प्रचार करते। सोरेन सरकार बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी प्रोत्साहन देखते आदिवासी झीलों जोर जबरदस्ती बहुत जमी हड़प कर। चंपाई सोरेन बांग्लादेशी अनुप्रवेश और जेएमएम मेंट सरकार दुर्नीति को विरोध करेमंत सोरेन अपमान दे विदा कर। झारखंड सरकार हजार कोटी मनरेगा दुर्नीति आरंभ कर कांग्रेस जड़े सांसद घर 350 कोटी टंका क्योंठू आसला प्रश्न करते। शाह केवल झारखंड नुहे महाराष्ट्र में आदिवासी पछुआ वर्गों संरक्षण हटाई मुसलमान मान संरक्षण देवा कांग्रेस और इंडिया मेंट चाहिए यार भोटर मैंने ठिक जवाब देवे। शाह जिस प्रकार से अपमानित कर चंपाई सोरेन जी को निकाला गया ये सिर्फ चंपाई सोरेन जी का अपमान नहीं है पूरे झारखंड और आदिवासी जनता का अपमान है भाइयों बहनों आदिवासी जनता का। और मुद्दा क्या था चंपाई सोरेन जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में पानकी समेत 4 स्थान जनसभा कर। इंडिया मेंट को टारगेट कर योगी कहते गोटे परिवार दिल्ली रे, गोटे परिवार पटनारे आठ हेमंत सोरेन परिवार झारखंड को लुटी। राज्य में बेटी सुरक्षित नुहंती कि रोटी सुरक्षित नुहे। झारखंड में बीजेपी सरकार को आसिले महिला और आदिवासी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया योगी कहते। सेपटे बीजेपी झारखंड सह प्रभावी हेमंत विश्व शर्मा शेष दिन में ईस्ट सिंहभूम में प्रचार करते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड पलामू में जनसभा को संबोधन करते।
प्रधानमंत्री मोदी को एक है तो सेफ है मंतव्य और योगी आदित्यनाथ को बंटेंगे तो कटेंगे मंतव्य को नहीं भोटर माने कहा को पसंद करिवे से माने निष्पत्ति नियंतु बोली कहि छिंदी खड़गे। जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्या मुसलमानों को किकआउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। आसंत 13 तारीख में झारखंड प्रथम पर्याय मतदान अनुषित हो 43 आसन में होगा मतदान पर मैदान में मोट 683 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुंत। उभय एनडीए और इंडिया मेंटर स्टार प्रचारक मैंने 200 अधिक राली कर सारी। स्वास्थ्यगत कारण जेएमएम अध्यक्ष शिव सोरेन एथर प्रचार कर ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज सेवेन। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେହି କାହାରିକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଡାଟା ଜରିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 43 ଆସନରୁ 23 ଆସନରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। 17 ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଅର୍ଥାତ 17 ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଜେଡି 5 ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏଥିରେ 2 ଆସନରେ ମହାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି 43ରୁ 36 ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏଜେଏସ୍ୟୁ 4, ଜେଡିୟୁ 2, ଏଲ୍ଜେପି 2, ଏଲ୍ଜେପି 2ରେ 1 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୁରା ଅଣ୍ଟା କଷି ସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ କେହି କାହାରିକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ବାଜି ମାତ୍ କରୁଛି ତାହା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।